हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे शरीर की सिक्योरिटी के बारे में। आपने सुना होगा हमारे घर की सिक्योरिटी होती है, हमारे देश की सिक्योरिटी होती है, इवन हर जगह की सिक्योरिटी होती है। यानी आप जो फोन यूज करते हो उसकी भी सिक्योरिटी होती है, आप जो लैपटॉप यूज करते हो उसकी भी सिक्योरिटी होती है। इसी तरह से हमारे शरीर की सिक्योरिटी होती है। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन जाता है तो उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी है, जिसे हम कहते हैं इश्योनोफिल्स। इश्योनोफिल्स अगर शरीर में बढ़ी हुई हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इश्योनोफिल्स क्यों बढ़ती है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे डिसीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली जिनमें इश्योनोफिल्स बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इश्योनोफिल्स क्या है। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, इश्योनोफिल्स यानी कि हमारी बॉडी के, हमारे शरीर की सिक्योरिटी है। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एलर्जन अगर हमारे शरीर में जाता है तो उसे रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, उसे वहाँ से हटाने के लिए, उस एलर्जन को, एलर्जन यानी कि इन्फेक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात को, इन्फेक्शन यानी कि जो शरीर में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए गया है, तो उसे हटाने के लिए हमारे शरीर में कुछ फाइटिंग सेल्स हैं, जैसे TLC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इशोनोफिल्स। हम बात करेंगे बड़े हुए इशोनोफिल्स के बारे में। तो शरीर में जब भी इशोनोफिल्स का लेवल बढ़ता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1 से 6 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन पेशेंट का 20 है, 20 है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। और ये पेशेंट को देखिए, लैब ने ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ है, कि भैया पेशेंट को थोड़ा अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि इसका इशोनोफिल्स 20 है। तो यहाँ पर हमें समझते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें इशोनोफिल्स बढ़ता है। सबसे पहली बीमारी होती है एलर्जिक डिसऑर्डर्स। एलर्जिक डिसऑर्डर से क्या मतलब है? एलर्जिक डिसऑर्डर से यानी कि ऐसी बीमारियां जो एलर्जी की वजह से होती हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, अर्टिकेरिया, स्किन पर लाल लाल चकत्ते, जिन्हें हम आम भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं अर्टिकेरिया, ठीक है। इसके बाद होता है हे फीवर। हे फीवर होता है, एक प्रकार का फीवर होता है, जिसे हम हे फीवर कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और इसके बाद होता है ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। किसी पेशेंट को अगर ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि किसी मरीज को कोई भी दवाई लेने के बाद उसको रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उनको परेशानी स्टार्ट हो जाए, खुजले चलने लगे, शरीर पर लाल लाल चकत्ते आने लगे, इस तरह की परेशानी, ओके। इसके बाद होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि आपके पेट में, पेशेंट के पेट में कोई पैरासाइट्स डेवलप हो रहे हैं, पैरासाइट वहाँ पर पनप रहे हैं, है ना। जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, कीड़े यानी कि हेलमिंथिस वगैरह, है ना। तो इस टाइप के हुक वॉर्म वगैरह हैं, है ना, टैप वॉर्म है। तो इस प्रकार के अगर इन्फेक्शन होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी इशोनोफिल्स आपके बढ़ेंगे शरीर में। इसके बाद होता है स्किन डिसीजेस। स्किन डिजीजेस यानी कि डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस, है ना, इस प्रकार एक प्रकार की इन्फेक्शन होता है एक प्रकार का स्किन के लिए स्पेशली, तो उसमें भी इशोनोफिल्स बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। लोफर्स सिंड्रोम। अब ये लोफर्स सिंड्रोम क्या होता है? लोफर्स सिंड्रोम एक अलग, बहुत ही कैरेक्टराइज बीमारी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लोफर्स सिंड्रोम के ऊपर ही आएगी, व्हाट इज लोफर्स सिंड्रोम, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो लोफर्स सिंड्रोम के बारे में मिलेगी, तो इसको भी हम समझेंगे। या फिर इसके अलावा होता है PIE। PIE क्या होता है? PIE होता है पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन विथ इशोनोफिलिया। एक प्रकार की ये भी पल्मोनरी से रिलेटेड बीमारी है, इसमें भी इशोनोफिल्स बढ़ जाती है। इसके अलावा होता है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारियों में भी इशोनोफिल्स बढ़ जाती है। तो सीधी भाषा में हमें ये समझना है, जब भी हमारे शरीर में एलर्जी तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी करने वाले इन्फेक्शन शरीर में जाएंगे, पैरासाइटिक इन्फेक्शन शरीर में जाएंगे, कैंसर की सेल अगर डेवलप होती है, इन्फेक्शन अगर होता है, ऐसी कंडीशन में इशोनोफिल्स बढ़ेगा। तो इशोनोफिल्स आज हमने समझ लिया कि क्यों बढ़ता है हमारे शरीर में और कम कैसे होगा। कम होने का देखिए, जब हमारी बीमारी कम हो जाएगी, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है या पैरासाइट्स शरीर में है, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो ये इशोनोफिल्स ऑलरेडी धीरे धीरे कम हो जाती है। एक्चुअली इशोनोफिल्स क्या होता है, एक तरह की, एक प्रकार का केमिकल शरीर में छोड़ती है जो हेलमिंथ, जो पेट में कीड़े पड़े हुए थे उनको मारने का काम करती है, इसलिए इशोनोफिल्स अपनी संख्या को बढ़ाती है ना। तो इसके अलावा
ईसिनोफिल्स एक टीएलसी का प्रकार ही होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार होता है ईसिनोफिल्स, जो शरीर में इन्फेक्शन से बचाने के लिए पाई जाती है। और अगर स्पेशली एलर्जिक इन्फेक्शन शरीर में होता है तो ईसिनोफिल्स हमारी बढ़ेगी। सो आई होप ये वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मैं आशा करूंगा कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।